नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर साउथ में। आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ साउथ की टॉप 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जिनमें हमें मर्डर मिस्ट्री एक्शन क्राइम सस्पेंस कॉमेडी थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ फिल्में हैं जो हाल ही में रिलीज हुई है और कुछ फिल्में हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, और वो कहाँ देख सकते हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। ये सारे फिल्में एक से बढ़कर एक है जिनकी कहानियाँ काफ़ी थ्रिलिंग अमेजिंग और आपको फिल्में पूरी तरह से एंगेज करके रखती है, और ये पांचों फिल्में एक मस्ट वॉच है। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बिना स्किप करके बने रहे ताकि आपसे एक भी मूवी मिस ना हो। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चनिपोयिन 16 మంతల్లో ఎక్కడ ఉన్నాయి? पांच पर आती है साल 24 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म साइरन, जिसमें आपको जयम रवि, कीर्ति सुरेश के साथ और भी कई स्टार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात करें तो कहानी थिलगा वर्मा नाम का एक एम्बुलेंस ड्राइवर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और अपने दोस्त का मौत के झूठे आरोप में फंसा कर आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब जेल में अच्छे व्यवहार के लिए चलते थिलगा वर्मा कुछ दिनों के लिए जेल से रिहा किया जाता है, तो वो अपनी पत्नी और दोस्त के असली कातिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे मूवी में ये देखना होता है कि क्या थिलगा वर्मा असली कातिल को ढूंढ पाता है या नहीं, जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 out of 10। दोस्तों, मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही कमाल का है, जिसे आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। 95 ले இந்த மாதிரி மர்டர் ஆன படியே கொலை பண்ணான। नंबर 4 पर आती है साल 23 की एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जेलर, जिसमें आपको ध्यान श्रीनिवासन, दिव्या पिल्ले जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात करें तो कहानी शांताराम नाम का एक यंग जेलर की इर्द गिर्द घूमती है, जो एक परीक्षा के लिए जेल से पास कैदू को चुनता है और उन पास कैदू के साथ रहने के लिए फैसला करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब जेलर शांताराम उन पास कैदू के साथ रहना शुरू करता है। तो शुरू में सभी चीज़ें ठीक तरीके से हो रही होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो उस जेलर को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो अब आगे मूवी में ये देखना होता है कि आखिर वो जेलर किन किन मुसीबतों का सामना करता है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 out of 10। दोस्तों, मूवी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नंबर 3 पर आती है साल 2018 की एक मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म बब्बर द पुलिस, जिसमें आपको मामूटी, कानिया के साथ और भी कई स्टार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात करें तो कहानी डेरिक अब्राहम नाम का एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की इर्द गिर्द घूमती है, जो अनिच्छा से अपने भाई को गिरफ्तार करता है, जिस पर उसका प्रेमिका की हत्या का आरोप होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस ऑफिसर अब्राहम को एहसास होता है कि उसका भाई निर्दोष है। तो पुलिस ऑफिसर अब्राहम अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए निकल पड़ता है। तो आखिर में पुलिस ऑफिसर अब्राहम अपने भाई को न्याय दिला पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरे मूवी को देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 out of 10। हेलो, नंबर 2 पर आती है साल 23 के मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म सावीर, जिसमें आपको कांचा को बोमन, अर्जुन के साथ और भी कई स्टार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात करें तो कहानी में 4 लोगों को एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो एक मर्डर केस में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से उनके पीछे पुलिस लगी होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ग्रुप के एक आदमी जख्मी हो जाते हैं, जिसके वजह से वो एक मेडिकल स्टूडेंट को किडनैप कर लेता है ताकि वो स्टूडेंट जख्मी आदमी को इलाज कर सके। अब आगे मूवी में ये देखना होता है कि आखिर वो 4 लोग किस मर्डर केस में शामिल होते हैं और वो 4 लोगों का आगे क्या होता है, जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10। दोस्तों, मूवी ठीक ठाक है, जिसे आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नंबर 1 पर आती है साल 24 की एक तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म भूतद्दम भास्कर नारायणा, जिसमें आपको शिवा कांडुगरी, राशि सिंह के साथ और भी कई स्टार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात करें तो कहानी दक्षिण भारत के एक छोटी सी गांव में पिछले 18 वर्ष में हुई अंशुलजी हत्याओं ने उस गाँव को रहस्य में डूबा हुआ बना दिया है, और पुलिस बार बार के प्रयासों के बावजूद कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसी गाँव के एक जासूस भास्कर नारायणा मामलों को सुलझाने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे मूवी में यह देखना होता है कि क्या भास्कर नारायणा अंशुलजी हत्याओं का मामलों को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 out of 10। दोस्तों, मूवी इतनी अच्छी है जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा, जिसे आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
तो ये थी आज की टॉप 5 फिल्में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी लेटेस्ट और बेहतरीन मूवी के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर साउथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।